कैसे देखते हैं? ये सरकार का बहुत स्वागत योग्य कदम है, मैं खुशी से जाहिर करता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम, क्योंकि हम लोग भी अपना दुकान का नाम अपना फर्म लिखे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सावन में जो यात्री आते हैं वो एक महीना उनको लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, और उसमें कुछ लोग भाई लोग नाम छुपा के अपना हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपना ढाबा चला रहे थे। सरकार ने ऐसा कदम उठाया, उनका धर्म ना भ्रष्ट हो पाए। कितने लोग एक महीने का धर्म रहता है उनका लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, अब उस दुकान पर नॉनवेज बनता है, तो उसे धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। सरकार का योग स्वागत योग कदम है, सराहना करता हूँ। तो अयोध्या के व्यापारी सरकार के फैसले को कैसे? अयोध्या के सारे व्यापारी सरकार के इस फैसले से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, और सब लोग अपना दुकान का नाम स्वयं लिखे हैं। हम लोग भी अपना दुकान का नाम श्री गायत्री भोग प्रसाद भंडार है, अपना नाम भी लिखा हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार गुप्ता। कैसे देखें? ये तो बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, कम से कम कांवर यात्रा चलता है। देखिए, पहले जब से योगी सरकार आया है, कांवरियों को इतना मतलब सुविधा मिलता है, हर एक चीज़ों के लिए फूल वर्षा होती है, जगह जगह पानी की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, खाना की व्यवस्था, हर व्यवस्था होता है। इसीलिए इस साल भी योगी जी ने पूरा व्यवस्था कांवर यात्रियों के लिए करा है, और बहुत ही अच्छा है। बहुत ही दुकान पे नाम लिखवाने के लिए, इससे ये रहेगा, सबको जानकारी रहेगी हिंदू की है कि मुस्लिम की है, इससे बहुत खुशी की सेवा है। हम लोग तो बहुत यही चाहते थे बहुत वर्षों से, अब की बार ऐसा फैसला आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही फायदा की नहीं, बहुत ही फायदा है, बहुत ही खुशी का माहौल है। आकाश गुप्ता। हाँ, चूंकि बहुत सराहनीय कदम है, जिसके लिए मैं अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज सत्य सनातन धर्म प्रचारक अपने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जिस प्रकार से जिहादी थूक जिहाद कर रहे थे, अन्य अन्य कई प्रकार के जिहाद फैला रहे थे, उसके दृष्टया ये एक अच्छी पहल है कि आप ये जो चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू के नाम से दुकान खोले हैं, और जब कोड बार स्कैन किया जाता है आपका गूगल पे पैसा पे करने के लिए, तो पता लगता है कि यारी मोहम्मद महमूद अली मियां निकलते हैं। तो इससे तो हमारे धर्म को ये जो आप घात लगाए बैठे हैं हमारे सनातन धर्मावलंबियों के व्रत पर्व को तोड़ने के लिए, जिस प्रकार से राक्षस लोग सिराख लगा कर बैठे रहते थे कि कैसे जो है साधु संतों सनातनियों राम भक्तों बाबा भोलेनाथ के भक्तों कृष्ण भक्तों को कैसे उनके धर्म से भ्रष्ट कर दिया जाए, उसी प्रकार से ये भ्रष्ट करने का जो ये आपका परंपरा था उस पर अब रोक लगेगा, जिसके लिए मैं मानता हूँ कि आदित्यनाथ योगी जी महाराज संपूर्ण रूप से बधाई के पात्र हैं।